हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड प्रतिभा। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है प्रतिभा यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं अपनी डॉटर का हेयर स्टाइल। तो ये है हमारी डॉटर। हेलो। हाँ, तो इनसे मिलिए, ये हमारी डॉटर और इनके आज मैं करने वाली हूँ हेयर स्टाइल। मैं अपनी डॉटर की हेयर स्टाइल करने वाली हूँ और आई होप यू गाइस आप सभी इस वीडियो को जरूर एंजॉय करेंगे। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए, अगर ये वाला वीडियो आपको थोड़ा सा ही पसंद आए, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन के साथ, जैसे हमारे शैतानी नहीं करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन के साथ, जिससे हमारे आने वाले सभी नए वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मम्मा मेरे बनाना स्टार्ट कर रही है। तो अब हम फ्रेंड हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आपने सुना ही होगा, ये है हमारी नॉटी सी क्यूटी सी डॉटर। बहुत ही ज्यादा नॉटी नटखट है और शैतान भी बहुत है और बहुत क्यूट भी है, और की वजह से हमारे घर में रौनक रहती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये अपने पापा की तो जान है, लाडू हैं, गुड़िया हैं, क्यूटी क्यूटी सी। और फ्रेंड, आपको ये वाला वीडियो देखकर कुछ तो हेल्प मिलेगी अपनी डॉटर की हेयर स्टाइल करने के लिए। तो फ्रेंड प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड तक। फ्रेंड, जो मैं आज आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो हेयर स्टाइल शेयर कर रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा लगता है बच्चों के ऊपर। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी डॉटर पर, अपनी डॉटर के हेयर पर। और तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़े से हेयर पोर्शन ले रही हूँ यहाँ पे। और पहले अच्छे से बालों को आप सुलझा लीजिए अच्छे से। फ्रेंड, जो छोटी हेयर बैंड होती हैं, कलरफुल होती हैं, जो उन्हीं को मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। और जो मैंने थोड़े से हेयर लिए हैं उनको इस तरीके से उनको बांध दूँगी हेयर बैंड से। फ्रेंड, ये वाला हेयर स्टाइल मेरी डॉटर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके ऊपर भी बहुत सुंदर सा लगता है। इस हेयर स्टाइल को करने के बाद मेरी डॉटर और भी क्यूट सी लगने लगती है। वैसे भी वो बहुत क्यूट है, लेकिन जब मैं ये वाला हेयर स्टाइल करती हूँ तो और भी क्यूट सी लगती है। और ये देखिए, मैंने एक जो छोटा सा पोर्शन लिया था उसको कवर कर दिया है, बांध दिया है। अब नेक्स्ट पोर्शन लेंगे उसी तरीके से और उसको भी बांध देंगे। फ्रेंड, ये वाला हेयर स्टाइल आप अपनी डॉटर के हेयर पर ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला हेयर स्टाइल अपनी डॉटर पर कैसा लगा। और यहाँ पर मैंने अपने डॉटर की जो आगे के हेयर हैं उसके, उसको मैंने आगे निकाल दिया। ये भी मैंने घर पे ही उसकी हेयर कट किए थे। और मैंने अभी तक अपनी डॉटर का हेयर कट बाहर नहीं कराया है। फ्रेंड, मैं खुद ही करती हूँ, घर पर ही मैं उसका हेयर कट करती रहती हूँ। फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मैंने हेयर पोर्शन उसके लिया था उसको बांध दिया है अच्छे से। और सेम स्टेप हम नेक्स्ट हेयर लेंगे उसकी, और थोड़ी से हेयर पोर्शन लेंगे उनको भी रबड़ बैंड से बांध देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर उसकी थर्ड चोटी भी मैंने रबड़ बैंड से बांध दी है। और अब हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे और फिर से थोड़े से हेयर लेंगे, फिर उनको रबड़ बैंड से बांध देंगे।
फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी 4 चोटी बन चुकी हैं, बहुत ही क्यूट सी लग रही हैं। और नेक्स्ट एक चोटी और बनेगी उसकी, उसके थोड़े से हेयर बचे हुए हैं तो मैं एक चोटी और बना दूंगी। फ्रेंड मैं इसी टाइप से और भी इसकी हेयर स्टाइल बनाती रहती हूँ, जैसे कि फ्रेंड मैंने अभी 5 आगे के हेयर चोटियाँ बनाई हैं उसकी, इसी तरीके से आप पीछे भी उसके बैक हेयर आप लेके इसी तरीके से और भी चोटियाँ कर सकते हैं, और भी कई स्टाइल में आप चोटियों को स्टाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो मैं रबड़ बैंड यूज़ कर रही हूँ छोटी वाली, तो ये कलरफुल होती हैं तो इसकी वजह से हेयर स्टाइल जो हम बनाते हैं तो वो और क्यूट सी लगती हैं, क्योंकि इनके यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड जो मैंने अभी हेयर इसकी बनाए हैं हेयर चोटी, तो बहुत ही क्यूट सी लग रही है। आप फ्रेंड इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, बस साइड वाली जो 2 चोटियाँ हैं उसकी उसको आप क्लिप से उसको इस तरीके से उनको क्लिप कर दीजिए, क्लिप लगा दीजिए उनमें, और बाकी को आप इस पीछे की वाली जो छोटी हैं उनको बीच वाले पोर्शन की उनको आप छोड़ दीजिए ऐसे ही। ये ऐसे ही ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही है हेयर स्टाइल। तो मैं आपको इसका पीछे का पोर्शन को कवर करके बताती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे बच्चों के तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं आपको पीछे के पोर्शन वाले हेयर को कवर करके बताती हूँ। इसको कंप्लीट करते हैं इस हेयर स्टाइल को जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं पहले कैमरे को रखती हूँ पीछे, तो आपको पीछे के जो हेयर मैं अपनी डॉटर का बना रही हूँ हेयर स्टाइल कर रही हूँ तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं हेयर को डिवाइड कर लेती हूँ सेंटर से और अच्छे से कॉम कर लेंगे। इसके बाद इन हेयर को हम सबको मिला के बांध देंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे बन गई है उसकी चोटी, पीछे वाली एक चोटी बन गई है और बाकी यहाँ के कुछ हेयर थोड़ा निकल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिप लगा देती हूँ। क्लिप लगाने से लुक भी अच्छा आएगा और हेयर निकलेंगे भी नहीं। फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पे क्लिप लगा देंगे तो देख सकते हैं आप लग रहा है ना अच्छा सा क्यूट सा। फ्रेंड सेम स्टेप नेक्स्ट साइड भी करेंगे, सभी हेयर को लेके जितने भी छोटे हेयर हैं उन्हें अच्छे से उनको कॉम करेंगे, सभी को अच्छे से लेकर रबड़ बैंड की हेल्प से उन्हें भी बांध देंगे। फ्रेंड इस साइड भी हम एक क्लिप लेके इस साइड भी हेयर में इस तरीके से क्लिप को लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड है ना बहुत सिंपल और क्यूट सी हेयर स्टाइल। तो मेरी डॉटर देख सकते हैं आप कितनी क्यूट सी लग रही है। मिथिवा आपको अपना हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दिखाओ।
तो फ्रेंड आज मैंने शेयर किया है अपने डॉटर का हेयर स्टाइल। आई होप यू गाइस आप सभी को ये वाला वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन के साथ, जिससे हमारे आने वाले सभी नए वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड, बाय बाय।